वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फाइनली शेयर करने वाली हूँ हमारे राउरकेला में फाइनली ओपन हो चुका वेफर्स, जो कि आज है 26 सितंबर एंड आज ही ओपनिंग हुआ है। तो मैं आई थी अपने काम के लिए, मैं सोची चलो आप लोगों के लिए ब्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस हमारे राउरकेला में ना कहीं पर भी वेफर्स मिलता नहीं है। एंड एक जगह मिलता है बट वहाँ पे सेकिंग में मिलता है, बट उसका जो प्रॉपरली रहता है ना सिर्फ और सिर्फ वेफर्स मिलना, वो कहीं पर भी नहीं था। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि हमारे फॉरम गैलरी मॉल पे फूड कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे फूड के कॉर्नर्स ओपन हो रहे हैं स्पेशली हमारे यूथ के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पर ओपन हुआ है, लोकेशन क्या है। एंड जस्ट ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये है फूड कोर्ट एंड जस्ट ये फ्रंट में है वेफर्स, मैं उसी के पास में आके बैठी हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेन्यू दिखाऊंगी, मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है, प्राइस कैसा क्या है, एंड फूड भी ट्राई करूंगी, एंड फूड भी ट्राई करके लेके आप लोगों को दूंगी रिव्यू। सो या गाइस आज के ब्लॉग में बने रहिए। गाइस ये देख लीजिए, ये है वेफर्स कार्ट का जो कॉर्नर, जो कि फोरम मॉल में ये जो फूड कोर्ट है आप लोगों को दिख रहा होगा, जस्ट बिगेस्ट बर्गर के फ्रंट में आप लोगों को ये मिल जाएगा। जैसे आप लोग ऊपर आओगे थर्ड फ्लोर में ये मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को लोकेशन वगैरह शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, तो रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, ये है वेफर्स का मेन्यू, आप लोगों को नॉर्मल वेफर्स मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आइस विस, और यहाँ पे ये देख लो प्राइस। एक्सक्यूज मी सर, ये सारा ईच 119 है ईच? जी ऑल दीज आर 119। अच्छा, सिग्नेचर फ्लेवर्स आर 149। ओके, मिनी पैनकेक्स का 3 वैरायटी है। अच्छा, क्लासिक नेपल 119, नटेला रेनबो पैनकेक 149, एंड द प्रीमियम फ्लेवर्स लोटस बिस्कॉफ ब्लूबेरी एंड रेड वेलवेट आर 169। ओके, मतलब ये जो प्राइस लिखा हुआ इसी में सब इंक्लूडेड है ना? इसके ऊपर 5% जीएसटी है। और अगर सर कोई अगर पार्सल वगैरह कराना चाहे तो पार्सल भी अवेलेबल है ना? पार्सल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बॉक्स 5 रुपीज एक्स्ट्रा। और सर जोमेटो वगैरह में अवेलेबल हो गया है कि नहीं? हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए प्राइस वहाँ पे फ्लैश आउट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को डिटेल्स में मेन्यू वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे लाइट्स भी डेकोरेट हो रखे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ही सब कुछ बन रहा है। और यहाँ पे तो आप लोगों को बैठ के खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो चले पहले मैम से थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, पूछ लेते हैं कि मतलब यहाँ का स्पेशल क्या क्या, उसके बाद ही फूड ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे राउरकेला में आप इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए, लाइक यूथ के लिए तो इट इज़ बॉम्ब, ठीक है ना? क्योंकि राउरकेला पे कहीं पर भी नहीं मिलता। एंड मैं मेन्यू वगैरह ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुकी हूँ। तो मैम सबसे पहले आपको ये बताओ, लाइक आपको ये आइडिया कैसे आया, एग्जीक्यूट कैसे किए, और आपके यहाँ सबसे बेस्ट क्या मिलता है, लाइक मैं क्या रिकमेंड करूँ अपने ऑडियंस को? There is a little story behind opening Waffle Cart. हाँ, तो I got married a year back. हाँ, और मैं यहाँ राउरकेला में आई तो I had no place to go for dessert. Hangout वगैरह. आज एक भी जगह नहीं है जहाँ मुझे मन करे अपने शुगर क्रेविंग्स को करने का, और अच्छा डेजर्ट, वेरी यमी डेजर्ट। तो माय हस्बैंड एंड आई वी बोथ लव वॉफल्स, तो हम लोग को लगा चलो वॉफल्स ही ले आते हैं। हाँ, सही बात है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी थॉट दैट यू नो लेट्स गेट अ वॉफल ब्रांड, एंड वी वांटेड अ फ्रेंचाइजी, मतलब ऑलरेडी जो ब्रांड एस्टैब्लिश है क्योंकि उसका टेस्ट ऑलरेडी सेट। अच्छा, ये एक फ्रेंचाइजी का स्टोर है? फ्रेंचाइजी, इट्स अ चेन्नई बेस्ड ब्रांड। ओके, वहाँ बहुत पॉपुलर है, दिस इज द फर्स्ट वन जो अभी राउरकेला में आया है, फर्स्ट आउटलेट है ना हमारे ओडिशा में, आएगा फर्स्ट आउटलेट, ओडिशा में पूरा फर्स्ट है। ओके, तो मैम जैसे आपके यहाँ पे लाइक सबसे बेस्ट जो मेन्यू है सारा, सबसे बेस्ट कौन सा होगा जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हम लोग के सारे फ्लेवर्स ही बेस्ट है, हम लोग एकदम वो नहीं करते कि कौन सा अच्छा नहीं, जो आपका टेस्ट, सबका टेस्ट अलग होता है। बाकी प्राइस भी लाइक काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि वेफर्स का उतना प्राइस होता ही है, ठीक है? इसमें चॉकलेट डल रहा है, चॉकलेट अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे तो थोड़ा उसमें रहता है। बट वो जो वेफर्स और पैनकेक का जो बेस है उसका मटेरियल क्या रहेगा, एक बार आप बता देंगे? उसका बैटर होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं बैटर, मतलब मेरा स्टाफ सुबह आता है, वो बैटर पूरा बनाता है, एंड दैट बैटर वी यूज फॉर द एंटायर डेली का फ्रेश का जो पैनकेक का यूज है। हम लोग के पास यहाँ फ्रिज है ही नहीं, तो वी कांट स्टोर द बैटर, हम लोग सुबह रोज फ्रेश बैटर बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और मैं कुछ देख के, मैं ऑलरेडी मैंने तो दिखा दी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये जो कॉटन कैंडी आज ऑर्डर करने वाली हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे लिए थोड़ा कॉटन कैंडी जल्दी से प्रिपेयर कर दो, दैट कि मैं ट्राई करके अपने ऑडियंस को रिव्यू दे दूँ। फाइनली मेरा वेफर्स आ चुका है, एंड ये मैं ऑर्डर की थी कॉटन कैंडी, कुछ अलग, क्योंकि हर बार लैवेंडर लैवेंडर अच्छा नहीं लगता ना, तो चले भी ट्राई करके दिखाती हूँ कैसा लगा टेस्ट। एंड ये ओनली 119 का है, ट्राई करके देखते हैं। मेरा कॉटन कैंडी फाइनली मैं वेफर्स खा रही हूँ, वो भी राउरकेला में, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, बट फाइनली यार फाइनली हमारे राउरकेला में वेफर्स ओपन हो चुका है, एंड ये कॉटन कैंडी फ्लेवर का है। यम्मी, लाइक जिनको स्वीट ज़्यादा पसंद है खाना, वेफर्स खाना पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत क्रंची है, ये देख लो उसका बेस प्रॉपरली बहुत अच्छे से बना है। तो चलिए मैं फटाफट इसको कंप्लीट करती हूँ, देन आप लोग से जल्दी मिलती हूँ। मैं और एक ऑर्डर की थी जो कि मिनी पैनकेक, मुझे पैनकेक खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये डेथ बाय चॉकलेट है, ओनली 149 में आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखो कितने क्यूट क्यूट पैनकेक्स हैं एंड आप लोगों को 8 पीसेस आ जाएंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा टेस्ट। चलिए अभी मैं ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। एंड ये देखो कितना क्यूट सा छोटू सा दिख रहा है, तो वैसे आप लोग तो पता है कि लाइक आई एम नॉट ए शुगर पर्सन, ठीक है ना, बट स्टिल काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो पैनकेक का जो बैटर था ना, काफी सॉफ्ट एंड यमी सा लग रहा है। तो चलिए मैं भी फटाफट, अपना लंच तो हो गया, अभी मैं अपना क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है राउकला में वेफर्स नहीं है, मैं आप लोगों को लिख के दे सकती हूँ कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली आओ आफ्टर योर डिनर लंच, मजे करके जाओ, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तो मैं फटाफट बैठ कर अपना ये कंप्लीट करती हूँ, देन आपको से जल्दी अपना वॉफल्स एंड मिनी पैनकेक फ्राई कर ले, जो कि काफी अच्छा लगा एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड अब फूड के बाद डेजर्ट ऑब्वियसली आप लोगों को कहीं पर नहीं मिल रहा होगा ट्राई करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग लंच एंड डिनर आप लोग फॉरम के लिए आ सकते हैं एंड फूड कोर्ट में बैठ के मस्त अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। चले गए आज के ब्लॉग में एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।